नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर सुबह में हीट वेव को लेकर सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। वहीं इस चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी में भी अमूमन लोगों को कामकाज या छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर निकलना पड़ता है। बाकी भागलपुर में नगर निगम की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, लेकिन अपने टूलमूल रवैये के लिए चर्चित निगम की इस पहल का धरातल पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ चौक चौराहे ऐसे हैं जहां पानी पीने के लिए जार तो रखा हुआ है, लेकिन उसमें पानी ही नहीं है। इस भीषण गर्मी में भी लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर उपमहापौर प्रोफेसर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने बताया कि शहर में तपतपाती गर्मी है, मजबूरन लोगों को घर से बाहर सड़क पर निकलना पड़ रहा है, लेकिन इस उमस भरी गर्मी से लोगों को पानी की समस्या ना हो इसके लिए निगम के द्वारा चौक चौराहे पर पानी की व्यवस्था की गई है। जहाँ तक समस्या हम लोग के संज्ञान में आएगा तो उसको वहाँ पूर्ति कराई जाएगी, और ऐसा हमारे संज्ञान में तो नहीं आया कि किस चौक चौराहे पर अभी ज़रूरत है या वहाँ पर नहीं लग पाया है, तो नगर आयुक्त साहब से बात करके उन वहाँ पर लगवाने का प्रयास किया जाएगा। ये लेकिन संज्ञान में आना चाहिए कि पानी पीना पीने का मन है तो पानी है ही नहीं है, तो जिम्मेदार जो प्रशासन जो चलवा रहा है वो जिम्मेदार होगा और क्या होगा। अब जैसे पानी पीने का भी मन था, पानी उतरे हैं गर्मी से, पानी ही नहीं है। सुल्तानगंज जगुवानी पुल हादसे को लेकर आज 4 दिन बीत गए, बावजूद इसके दुर्घटना स्थल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इधर हादसे को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि भागलपुर की ओर से कोई हताहत नहीं है, लेकिन गंगा में घटना स्थल पर मलबा गिरा हुआ होने से एक डर सा बना हुआ है। जो लोग नाव से इस पार से उस पार सफर कर रहे हैं उन लोगों के साथ कोई दुर्घटना ना हो इसका भी ख्याल प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है, जबकि जिला स्तर से भी जो भी चीज़ें अपेक्षित हैं उसकी कार्यवाही कर दी गई है। अब विभाग के स्तर पर जाँच और कार्यवाही की जाएगी। हम लोग अभी तक उसका फिगर सुनने ही मान के चल रहे हैं, तो भागलपुर में जहाँ तक भागलपुर का क्वेश्चन है तो यहाँ से अभी तक फिगर सुनने हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एहतियातन वहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की हुई है, ताकि जो लोग जो अभी जा रहे हैं वहाँ पे कौतूहल बस उस जगह को देखने उनके साथ कोई दूसरी दुर्घटना ना हो, चूँकि दुर्घटना स्थल में कुछ मलबा गिरा हुआ है तो एक डर बना हुआ रहता है कि उस मलबे में लोग नाव से अगर जाते हैं तो एक अन्य घटना होने की संभावना होती है। तो हम लोग की तरफ से जो डेप्यूटेड फोर्स मजिस्ट्रेट हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो लोग भी नाव वगैरह का भी इस्तेमाल करके इस पार से उस पार हो रहे हैं वो एक सेफ डिस्टेंस से ही नाव के माध्यम से जा रहे हैं। जो हम लोग के स्तर से जो भी चीज़ें होनी थी, जो विधि व्यवस्था दृष्टिकोण से होनी थी, उन सभी चीज़ों को कर दिया गया है। बाकी ये विभाग स्तर की चीज़ है तो निश्चित रूप से उन्होंने इंश्योर कर रहे हैं। श्रावणी मेला शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं इसको लेकर जिला पदाधिकारी कुमार अनुराग ने जिला एवं विभाग के सभी अधिकारियों के साथ गंगा घाट एवं कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही मेले की शुरुआत को लेकर प्रभारी जिला पदाधिकारी अनुराग कुमार ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर श्रावणी मेला शुरू होने से पूर्व सभी तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। श्रावणी मेला 4 जुलाई से होगी और नवाज के कारण 21 अगस्त तक चलेगी। जो अभी तक 30 दिनों का होता था और इसके ऊपर 63 दिनों का होगा, तो उसके आलोक में सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अभी फिलहाल लगभग 1 महीना बचा हुआ है, इसके आलोक में जो टेंडर प्रोसेस है रेल वगैरह के लिए और सभी विभागों के साथ आज बैठक भी कई की गई है स्थल पर ही, ताकि जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं जो यहाँ पर लोगों को आ सकती है, आवासन से लेकर के शौचालय से लेकर के पेयजल की सभी की समीक्षा हो सके। जितनी भी लास्ट ईयर जो हम लोगों की तरफ से तैयारी की गई थी उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर ज़्यादा नल जल बेसिकली नल की आपूर्ति जलों की आपूर्ति के लिए अगर हमें नल पर स्थापित करने होंगे या और वाटर टैंकर या आर ओ यहाँ पर सेटअप करना होगा, उन सबकी समीक्षा की गई है और अभी तक तैयारी से संतोषजनक है। अभी हम लोग कच्ची कांवरिया पथ का भी भ्रमण करेंगे और निरीक्षण करेंगे।
सुल्तानगंज अगुवानी पुल ध्वस्त होने के बाद से एक गार्ड लापता है। बता दें कि अगुवानी की तरफ वो गार्ड कार्यरत था। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लगातार उसकी छानबीन की जा रही है, जबकि SDRF की टीम गार्ड की तलाश में लगी है। वहीं इसको लेकर भागलपुर के प्रभारी DM से DDC कुमार अनुराग ने कहा कि हादसा के तुरंत बाद SDRF को लगाया गया था। साथ ही निर्माण एजेंसी SP सिंगला पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर से जो निर्देश मिलेगा इस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खगड़िया साइड से जो आपका पिलर नंबर 9 था, उसके बाद जो ब्रिज कोलैप्स किया था, उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत SDRF की टीम को वहाँ पर तैनात किया गया था ताकि कोई कैजुअलिटी का पता चले। तो यहाँ से इस साइड से कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है भागलपुर के साइड से, और अभी भी टीम तैनात है, रेगुलर एक्टिव कर रही है, और अभी किसी भी तरह की किसी आपदा की सिचुएशन इस साइड नहीं है। दाखिल खारिज के नाम पर महिला को किराए के मकान में धोखे से बुलाकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले नारायणपुर CO अजय कुमार सरकार को निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आदेश जारी कर विभाग के अपर सचिव से वो अर्चन के निदेशक सुशील कुमार की ओर से कहा गया कि भागलपुर DM की ओर से 22 मई को सूचना मिली थी कि नारायणपुर के CO को नवगछिया महिला थाना की थानेदार प्राथमिकी करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही इसके लिए अजय कुमार को निलंबित करने की भी अनुशंसा की गई थी। वहीं DM की ओर से की गई अनुशंसा और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से CO को गिरफ्तार किए जाने की तिथि 21 मई से निलंबित करने का निर्णय लिया गया। भागलपुर सदर SDO के निर्देश अनुसार रातनगर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में श्रीरामपुर मौजा के 1 एकड़ 65 डिसमिल पुरानी पड़ती जमीन पर लगे 70 आम के फलदार पेड़ से मजिस्ट्रेट की निगरानी में आम का फल तोड़ने पहुंची नाथनगर थाना की पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा इसका जमकर विरोध किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि यह उन लोगों का पुश्तैनी बगीचा है जिसका रसीद नहीं कटाने पर बगीचा बिहार सरकार की हो गई है, जिसको लेकर टाइटल शूट किया गया है और इसी माह में 8 तारीख को सुनवाई होनी है। वहीं इसको लेकर मौजूद स्थानीय सुनील कुमार ने बताया कि मंसू गोप खंतर मंडल और बलदेव मंडल के नाम से ये जमीन है जिसमें 38 परिवार शामिल है, लेकिन मंगलवार के दिन नाथनगर CO स्मिता झा के नेतृत्व में बगीचे से आम के फल को प्रशासन ने बलपूर्वक तोड़ लिया। इधर नाथनगर CO स्मिता झा ने बताया कि सदर SDO के आदेश अनुसार मजिस्ट्रेट की तैनाती में आम के फल को तोड़ा गया है, जिसके बाद बुधवार के दिन गठित टीम के निगरानी में आम के फल का मूल्यांकन कर फल का नियमानुसार नीलामी की जाएगी। इस दौरान नाथनगर अंचल की राजस्व कर्मचारी बीना कुमारी, नाथनगर थाना के SI प्रतिमा कुमारी और दिव्या कुमारी के साथ 2 ब्रजा पुलिस टीम मौके पर मौजूद रहे। विवाद है कि सर ये जो है जमीन जो है हमारा खरीदारी है 1943 का, और पेड़ यार लगाए हैं आम का वृक्ष है, और आम का जो है पेड़ भी काट दिया 14 गो उधर काट के जो है कहाँ चला गया वो भी पता नहीं है। कब कटा है? ये कटा है 20 याद नहीं है, यानी कि हो गया 5-6 महीना हो गया, जनवरी लगा रही है। अच्छा। तो 5-6 महीना वही तो बोल अभी क्या विवाद चल रहा है? अभी विवाद आम का जो है ना लगा हुआ है, आम उसको हम तोड़ रहे थे लेकिन प्रशासन आके जोर जबरदस्ती आम का पेड़ जो है ना सब आम ढा दिया। हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिला, कोई बोला तब हम लोग आए यहाँ तो देखे पूरा आम बिखरा हुआ है। किनका किनका बगीचा ही है? ये है उत्तम राय है, गरीब मंडल है, मनसु गोप बाबूलाल राय आदमी का नहीं पता है क्या मामला है, बस बोला गया कि हाँ सरकारी जमीन पे मापी हुआ है, पिलर हुआ है, उस वक्त नहीं पता चला था कि सरकारी जमीन है। पिलर नहीं हुआ, पिलर कैसे गड़ा हुआ जमीन हुआ है? उस साइड का है, उस साइड वाले का है। सरकारी बिना मापी किए हुए सरकारी ये बन गया, सरकारी जमीन तभी नहीं बना है। मैडम ये सरकारी जमीन पे कितना पेड़ लगा हुआ है? आपका पेड़ कितना है लेकिन हमको नहीं पता है, लेकिन है इतना दूर इधर सरकारी जमीन है। सुल्तानगंज अगुवानी पुल हादसे को लेकर लगातार सियासत गरमाती जा रही है। दरअसल भाजपा और महागठबंधन के नेताओं के बीच बयानों का पलटवार शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भागलपुर पहुंचे पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक नीरज बबलू ने बड़ा बयान दिया है। नीरज बबलू ने कहा कि किसी भी सूरत में CBI जांच करानी ही चाहिए, क्योंकि पुल का ताज के पत्ते की तरह गिर जाना एक बड़ा हादसा है। सरकार के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। उन्होंने सीधा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं SP सिंगला को ही क्यों पुल निर्माण का ठेका दिया जा रहा है, किन किन नेताओं से इनके मधुर संबंध है, किसको कितना पहुंचाया गया है, ये जांच का विषय है, इसलिए CBI जांच जरूरी है। देखिए CBI जांच तो कराना ही पड़ेगा, इसलिए कि ये बड़ा स्कैम है, ये बड़ा घोटाला है। जिस तरह से इस पुल में
हम समझते हैं कि सरकार के लोग लूटने का काम किए हैं, बिहार के जनता के गरीब कमाई का पैसा को लूटने का काम किया है, क्योंकि स्पष्ट लूट इसलिए दिख रहा है कि इससे पहले भी टूट चुका है, पहले भी लग रहा था कि जिस समय टूटा था उसी समय काम को रोकना चाहिए था, काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था। और एसपी सिंगला को ही सारा काम बिहार में कैसे मिलता है, मैं सवाल वहां खड़ा करना चाहता हूं कि 2005 से जब से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है तब से मैक्सिमम बड़े पुल के काम को एसपी सिंगला को दिया जाता है, बाकी का टेंडर कैंसिल कर दिया जाता है, उनको पीछे कर दिया जाता है। बिहार कृषि समन्वय कार्य समिति की जिला इकाई के सदस्यों ने वेतनमान में संशोधन करने की मांग को लेकर मंगलवार को जिला कृषि भवन परिसर में बेमियादी हड़ताल शुरू की है। वहीं समिति के जिला अध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया कि सरकार कृषि समन्वयकों से सिर्फ काम लेती है जबकि काम के हिसाब से वेतन भी बढ़ाना चाहिए, साथ ही वेतनमान बढ़ाने के साथ साथ कार्यहित एवं राज्य हित में पदनाम को कृषि विकास पदाधिकारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक उन सब की मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक सभी कृषि समन्वयक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मौके पर कई कृषि समन्वयक मौजूद थे। हम वेतनमान संशोधन के लिए जो है अपनी मांग के लिए जो है धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को जो है माननीय सचिव महोदय जो है पिछले हड़ताल में जो है लिखित समझौता किए थे कि 2800 के ग्रेड पे के स्थान पर हम 4600 ग्रेड पे के लिए कर रहे हैं आप लोगों की, और उसके लिए उन्होंने कमेटी भी गठित की डायरेक्टर स्तर की अध्यक्षता में, और उस पर जो है कमेटी ने रिपोर्ट दिया और उन्होंने जो है 4600 ग्रेड पे के लिए जो है अनुशंसा किया। माननीय सचिव महोदय जो है उसे लेटर जो है वित्त विभाग में भी भेजा, लेकिन बाद में उसे जो है क्या कहते हैं कि डिस्पोजल कर दिया गया, वो कुछ समाप्त कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ। उसके मांग के समर्थन में कि हमारी जो मांग जायज मांग है उसके लिए हम जो है कहते हैं धरना पर बैठे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।